अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग, हो करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ OB32 अपडेट के बारे में। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि OB32 अपडेट में हमें क्या देखने को मिलेगा इस दफ़ा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये OB32 का पार्ट 1 है। अगर मैं पूरी वीडियो बनाता OB32 का तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने इसको इसके 2 पार्ट्स बनाए। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो गाइस, हमें OB32 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा 20 जनवरी को। इस मंथ के 20 जनवरी को हमें अपडेट देखने को मिलेगा गाइस। तो इस अपडेट से कोई नाराज होगा तो कोई हमें खुश दिखाई देगा, तो क्योंकि इस अपडेट में काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। और आप लोग आगे आगे चल के पता चल जाए कि इस अपडेट में क्या चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। गाइस यहाँ पर हमें सबसे पहला अपडेट देखने को मिलता है OB32 का। सबसे पहला वाला अपडेट हर क्ले स्क्वाड में, क्ले स्क्वाड के राउंड में हमें एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा हर राउंड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एयर ड्रॉप इन एवरी CS राउंड। तो यहाँ पर हर राउंड में हमें एक एयर ड्रॉप देखने को ज़रूर मिलेगा। ये था सबसे पहले वाला अपडेट, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। और सेकेंड वाला अपडेट रिसप्लाई इन रैंडम प्लेसेस। रिसप्लाई आप लोग जानते ही हो गए, जो कि हम बाउंड्री की जगह पे यूज़ करते थे, यहाँ पर हमें रैंडमली मिल जाएगा, जहाँ पर हमें गन वगैरह नहीं मिलता। तो ये हमें देखने को मिलेगा, जैसे पानी सी के साइड पर भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरह कंटेनर एड किए गए हैं मार्स इलेक्ट्रिक में। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ कंटेनर्स ऐड किए गए हैं कवर्स के लिए, फाइट में आसानी के लिए। गाइस इसी के साथ हमारा अगला अपडेट कतोलिस्तिवा का हाउसेस का लोकेशन चेंज कर दिए गए हैं। सब हाउसेस उलट पुलट यहां पे कर दिए गए हैं, लोकेशन यहां पे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है इस जगह का। तो ये अपडेट कैसा लगा आप लोगों को? तो गाइस यहाँ पर हमारा अगला अपडेट होने वाला है म्यूज़िक सेक्शन। यहाँ पे ऐड कर दिया गया है हमारे गेम के अंदर म्यूज़िक सेक्शन, जो कि पबजी में भी ऑलरेडी था और हमारे गेम में भी आ चुका है म्यूज़िक सेक्शन। और इसके साथ हमारा न्यू मोड और लोन वॉल्फ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि अपडेट के बाद हमें देखने को मिलेगा। नाइट में हमें लोन वॉल्फ खेलना पड़ेगा, पता नहीं कैसा ये जब आ जाएगा, तो हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला है न्यू मूड पेट लूडो। तो यहाँ पर हमें लूडो किस्म का अपडेट देखने को मिलेगा न्यू मूड। अगर जो कोई भी लूडो खेलना चाहता है तो फ्री फायर में भी अभी लूडो खेल सकता है, और दूसरे लूडो को डिलीट मार दे, क्योंकि अब यहाँ पे भी लूडो आ चुका है, तो आप यहाँ भी खेल सकते हैं। 3 रेंडमली स्क्वाड आएंगे और एक आपका स्क्वाड को। इसके साथ हमारा क्राफ्ट लैंड में मोर आइटम्स एडिट कर दिए गए हैं। क्राफ्ट लैंड काफ़ी ओपी कर दिया गया है, क्राफ्ट लैंड को काफ़ी ओपी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी खूबसूरत कर दिया गया इस दफ़ा जो अपडेट आया हुआ है आएगा OB32 का। और क्राफ्ट लैंड में जो अपडेट आएगा काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे लगा। आप लोग कमेंट से ज़रूर बताना आप लोगों को ये अपडेट कैसे लगा क्राफ्ट लैंड का। इसके साथ हमें न्यू वेपन देखने को मिलेगा 4 बूस्टर शॉटगन। तो इसका फुल रिव्यू मैं करवाऊँगा इस शॉटगन का, काफ़ी ख़तरनाक शॉटगन होने वाला है, क्योंकि ये बूस्टर है आप लोग जानते होंगे। तो इसे फायर नहीं करना, इसको सिर्फ दबा के रखना और कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद फायर करना, तो एक गोली पे ही बंदा खत्म। और इसके साथ हमें दूसरा अपडेट देखने को मिलने वाला है हेट लिस्ट टोकन। यहाँ पे ये टोकन बाय कर लेंगे तो आपको इनमी का लोकेशन पता चल जाएगा, जो इनमी हिट फायर करेगा जिधर भी हो, आपको एक इनमी का बसानी पता चल जाएगा कि इनमी कहाँ पर है। इनमी लोकेशन एक्सपोज्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपग्रेड चिप ऑटोमाइज, यहाँ पे हमें जो कि M4N में अपग्रेड चिप लगते थे, तो वो अभी हमें हर घर में देखने को मिलेगा। MP5, UMP, MP40 जोन सा घर में भी हो, सब में हमें देखने को मिलेगा ये वाला चिप। गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला है CS&BR रैंक के आइकन चेंज। यहाँ पे OB32 अपडेट के बाद यहाँ पे आइकन हमें चेंज देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं CS रैंक के आइकन्स एंड BR रैंक के आइकन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टोटली चेंज देखने को मिलेगा।
तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा ये आइकन। तो नेक्स्ट अपडेट हमारा होने वाला है वॉलेट सिस्टम ऑप्टिमाइज, यहाँ पे वॉलेट सिस्टम को भी चेंज कर दिया है कम्प्लीटली। यहाँ पे ड्रेसेस, इमोट्स वगैरह, लूट बॉक्स सबको एक ही सेक्शन में रख दिया गया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप एक ही टाइम में दो ड्रेसेस चेंज कर सकते हो, गेम के अंदर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इमोट्स सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो 1 2, यहाँ पे अगर आप 1 वाला ड्रेस पहनना चाहते हो तो 1 वाला पहन सकते हो, अगर 2 वाला पहनना चाहते हो तो 2 वाला भी ऑटोमेटिकली पहन सकते हो गेम के अंदर भी। इसके साथ यहाँ पर कंटेनर ऐड कर दिए गए हैं एंड बॉक्सेस यहाँ पे हंगर में ऐड कर दिए गए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रक वगैरह और कंटेनर, और इसके साथ ही यहाँ पे हमें बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा बना है इस दफ़ा अपडेट को, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिए गए कवर लेने के लिए और फाइट में आसानी के लिए। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।